نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة المائدة آیت نمبر 109 سے 113 تک آج ہم چار آیات کریں گے और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह मायदा कल कंप्लीट हो जाएगी. कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पहली जो पांच सूरतें हैं कुरान की जिनमें एक मदनी सूरत है, सॉरी बक्की सूरत है सूरह फातिहा, जो देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत मानी का खजाना अपने अंदर लिए हुए है. और अगली चार सूरतें जो है सूरह बकरा और सूरह आल इमरान एक जोड़े की शक्ल में है, इन दोनों का पेयर है. फिर सूरह निसा और मायदा ये दोनों जोड़े की शक्ल में है. ये चारों की चारों सूरतें मदनी हैं. तो इस तरह मदनी सूरतों की जो एक ग्रुप है वो इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अगली सूरत सूरह इनाम स्टार्ट करेंगे जो मक्की सूरत होगी. चलें जी आगाज करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यौमा जिस दिन, यजमाउल्लाहु जमा करेगा अल्लाह, इकट्ठा करेगा अल्लाह. जमा यजमाउ, जमा उसने जमा किया, यजमाउ वो जमा करेगा या इकट्ठा करेगा. कौन? अल्लाहु अल्लाह. यौम यजमाउल्लाहु जिस दिन इकट्ठा करेगा अल्लाह, अर रसूला रसूलों को, रसूल उनकी जमा रसूल सब रसूलों को. फयकूलू फिर वो कहेगा, काला यकूलू कौलन होता है कहना, काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है या कहेगा और इसका मस्तर होता है कौलन कहना. फयकूलू फिर वो कहेगा, कौन? अल्लाह ताला. इससे कहेगा रसूलों से, माजा क्या, उजिब तुम्हें जवाब दिया गया था. उजिब मजहूल है, पैसिव वॉइस है. जवाब दिया गया तुम्हें, माजा उजिब तुम्हें क्या जवाब दिया गया था. अल्लाह रसूलों को जमा करेगा क्यामत वाले दिन, उनसे पूछेगा दुनिया में जब तुम गए थे लोगों को तुमने अल्लाह का पैगाम दिया था तो माजा उजिब तुम्हें क्या जवाब दिया गया था, लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया था. आलू वो कहेंगे, ये वही रूट है जिससे यकूलू कौल काला, तो ये काला की जमा कालू वो सब कहेंगे. चूंकि फ्यूचर की बात हो रही है वैसे ये काला जो है ये फेल माजी है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, लेकिन वो उसी कॉन्टिन्यूशन में हम इसका तर्जमा उसमें करेंगे. वो कहेंगे ला इल्म लाना, नहीं इल्म हमें, ला नहीं इल्म इल्म लना हमें वास्ते हमारे, हमें कोई इल्म नहीं. इन्नका बेशक तू, अंता तू ही है, अल्लामुल खूब जानने वाला, अलगयूब गैब की बातों का. अल्लामुल गयूब कौन होता है? अल्लामुल गयूब अल्लाह है. अल्लामुल गयूब तमाम गैब की बातों को खूब जानने वाला अल्लाह है. इसका ये मतलब नहीं है कि अंबिया ने जवाब देने से इनकार कर दिया या उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता, बल्कि अल्लाह की हैबत, उसका खौफ, और ये जानते हुए भी कि अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब है, या अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है, सारी बातों का तुझे इल्म है, हमें नहीं पता. इज जब कॉल अल्लाह, फरमाएगा अल्लाह, एक तरह से नक्शा खींचा जा रहा है ना हशर के दिन का, जब फरमाएगा अल्लाह, कहेगा अल्लाह, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम. अब अल्लाह देखे, पहले तमाम अंबिया से खिताब था, अब रुख हो गया अल्लाह का हजरत ईसा अलैहि सलाम की तरफ. ए ईसा इब्न मरियम, उज़्कुर याद करो, फेल अमर है, उज़्कुर ज़ाकरा यज़्कुरु, ज़ाकरा उसने याद किया, यज़्कुरु वो याद करता है, ज़िक्रुन याद करना, उससे फेल अमर है, उज़्कुर तू याद कर, नेमती मेरी नेमत को,
या जो है ये क्या है, ये इस्म ज़मीर है मुतकल्लिम का, सीगा वाहिद का, नेमती मेरी नेमत को, अलई का जो तुझ पर है, अला पर का तेरे जो तेरे ऊपर है, जो तेरे ऊपर मेरी नेमत है, जो मैंने तुझ पे नेमतें की थी दुनिया में वो जरा याद कर। वा अला वालिदाती का, और तेरी वालदा पर, वालिदा तो वालदा ही है, का तेरी, अला वालिदाती का और तेरी वालदा पर और तुझ पर जो मैंने नेमतें की थी ऐ ईसा अलैहिस्सलाम जरा वो याद करो। इस जब अय्यदतु अय्यदा युय्यिदु ताईदुन, इसका मतलब होता है मदद करना, ताईद करना। अय्यदतु मैंने मदद की, मैंने ताईद की, का तेरी, याद करो वो वक्त ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, उस नेमत को याद करो इस अय्यदतु का, जब मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी ताईद की, बिरूहिल कुदुस, रूहुल कुदुस के जरिए, रूहुल कुदुस के साथ, जो रूहुल कुदुस से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो कल्लिमुन नासा, तू कलाम करता था लोगों से, कल्लामा युकल्लिमु तकलीमुन होता है बात करना, कलाम करना, तो कल्लिमु तू कलाम करता था अन्नासा लोगों से, फिल महदी गोद में, गहवारे में, झूले में, महद माँ की गोद को भी कहा जाता है और झूले को भी कहा जाता है, पर ना इल्म हासिल करो, मिनल महदी इलल लहद, महद से लेकर लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र तक। तो महद का मतलब वो गोद भी और झूला पंघूड़ा भी, गहवारा भी। वकाहलन और उधेड़ उम्र में भी, तू बातें करता था लोगों से जब तू अभी माँ की गोद में था, वकाहलन और उधेड़ उम्र, कहूलत की उम्र होती है कुछ 32 30 से 35, ये जो एक मिडल एज होती है उसे कहूलत की उम्र कहा जाता है। वाइज अल्लम तू का, और जब मैंने सिखाया, वाइज और जब, अल्लमा युअल्लिमु वही रूट है इसका, देखें ब्लैक कलर से जो लिखा होता है ना वो लफ्ज के अंदर जो एक रूट वर्ड्स होती है ना जिनसे लफ्ज बनता है, बेसिक जो हरूफ हैं वो तीन है इसमें, ऐन लाम मीम। अल्लम अल्लमा उसने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है, तालीमुन सिखाना, ये तालीम होता है थोड़ा थोड़ा करके एहतमाम के साथ सिखाना। अल्लम तू मैंने सिखाया का तुझे, वाइस अल्लम तुका, और जब मैंने तुझे सिखाया, अल किताबा किताब को, और जब मैंने सिखाई तुम्हें किताब, वल हिकमता और हिकमत, व तौराता और तौरात, वल इंजीला और इंजील, वो वक्त याद करो। वाइस तखलुकु और वो भी याद करो, वो चीज भी याद करो जब तखलुकु तुम बनाते थे, खाला का यखलुक होता है तखलीक करना बनाना, तखलुक तुम बनाते थे, ये शुरू में जो ता है इसका मतलब है तुम, मिनत तीनी मिट्टी से, तीन कहते हैं गीली मिट्टी को, मिनत तीनी मिट्टी से, का है आती, हयत का लफ्ज तो सुना होगा आपने, हयत, हयत कहते हैं सूरत को, का हर्फे जर है, की तरह लाइक उस जैसी, कहायत सूरत जैसी, कैसी अतैरी परिंदे जैसी, परिंदे जैसी सूरत, का मतलब है जैसी, हायत सूरत, तैर परिंदे, कहाई आती तैरी परिंदे जैसी सूरत, जब तुम मिट्टी से एक परिंदे जैसी सूरत बनाते थे, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, इज़्न कहते हैं इजाजत या हुक्म, बा साथ नी या जो है मेरा, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे हुक्म से जब तुम मिट्टी से एक परिंदे की सूरत बनाते थे, फतनफुहू फिर फूंक मारते थे, फा फिर या पस या तो, ता तुम
नफखा यम फुकू होता है फूंक मारना, नफख नफखे सूर भी कहा जाता है ना, सूर फूंका जाएगा, सूर में फूंक मारी जाएगी क़यामत के दिन, तो उसे नफखा कहा जाता है, नफखा अव्वल नफखा सानी, तो फूंक मारने को नफख कहा जाता है। फतान फूकू फिर तुम फूंक मारते थे, फी हा उसमें, किसमें, वो जो मिट्टी का परिंदा बनाते थे फिर उसके अंदर फूंक मारते थे मेरे हुक्म से, फतकूनू तो वो हो जाता था, फा तो ता तकूनू हो जाता था, मोनस है इस वजह से ये ता जो है वो ये तुम वाला नहीं है, ये मोनस वाला है, तकूनू तो वो हो जाता था, तैरम भी इदनी परिंदा सचमुच का परिंदा, पहले तो मिट्टी का परिंदा बनाया था, अब वो जब फूंक मारी उसने तो बिइज़्ज़नी मेरे हुक्म से वो परिंदा उड़ने वाला हो जाता, उड़ने वाला परिंदा, बिइज़्ज़नी मेरे हुक्म से। ईसा अलैहि सलाम वो वक्त याद करो हशर में अल्लाह ताला वो नेमतें गिनवा रहे हैं हजरत ईसा अलैहि सलाम को, वतुबरियु और तुम तंदुरुस्त कर देते थे, अबरा युबरियु तंदुरुस्त कर देना, तुबरियु जो ता शुरू का तुम तंदुरुस्त कर देते थे, दुरुस्त कर देते थे, अल अकमहा, अकमहा कहते हैं पैदाइशी अंधे को, जो पैदा ही अंधा हुआ हो, मादरजाद अंधे को तुम दुरुस्त कर देते थे, बल अबरसा और कोड़ी को, बरस के मरीज को, अबरस जो कोड़ का मर्ज होता है उसको भी तुम ठीक कर देते थे, बिइज़्ज़नी मेरे हुक्म से। वाइज और वो वक्त भी याद करो जब तुखरिजु तुम निकाल देते थे, निकाल खड़ा करते थे, अखराजा युखरिजु इखराज होता है निकालना, तुखरिजु तुम निकाल देते हो, ये ता का मतलब है तुम निकाल खड़ा करते थे, अल मौता मुर्दों को, बिइज़्ज़नी मेरे हुक्म से। ये ईसा अलैहि सलाम के वो सब मौजज़ात है ना जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए थे। वाइज और जब कफ़फ़्तु मैंने रोक दिया, एक और नेमत अल्लाह की ईसा अलैहि सलाम पर, कफ़ा या कुफ़ू होता है रोक देना, कफ़फ़्तु मैंने रोक दिया बनी इसराइला बनी इसराइल को, अन का तुझसे, जब मैंने बनी इसराइल को तुझसे रोक दिया, इज जब जीता हूं तू आया उनके पास, आगे बा आएगा इसलिए इसका तर्जमा हो जाएगा तू लाया उनके पास, जीता का मतलब होता है आया हूं उनके पास, लेकिन जब आगे बा का प्रेपोजिशन लग जाए तो फिर उसका मतलब होता है लेके आया, जब तू लाया उनके पास, या आया भी कह सकते हैं बाद में फिर खुली निशानियों के साथ कह सकते हैं, या लाया उनके पास खुली निशानियां, या आया उनके पास बिल बय्यिनाति खुली निशानियों के साथ, बय्यिनतुन मोजज़े को कहते हैं, दलील को कहते हैं, एक निशानी को कहते हैं, तो बय्यिनतुन की जमा है बय्यिनात, खुले दलाइल खुली निशानियां खुले मोजज़ात लेकर जब तू उनके पास आया, फकाल लदीना तो कहा उन लोगों ने, काफारू जिन्होंने कुफर किया, मिनहुम उनमें से, इन हाजा इल्ला नहीं है ये मगर, इन और इल्ला का एक कॉम्बिनेशन है, इनके बाद अगर इल्ला आ जाए तो फिर उसका मतलब इनका अगर नहीं होता बल्कि नहीं होता है, ठीक है। वैसे हमने पहले इनका मतलब जहां भी पढ़ा है इन अगर, लेकिन यहाँ पे इनका मतलब नहीं क्यों है कि इसके बाद आ रहा है इल्ला, इन हाजा नहीं ये इल्ला मगर सिहर मुबीन खुला जादू, सिहर जादू को कहते हैं, मुबीन वाजे खुल्लम खुल्ला क्लियर, सिहर मुबीन ये तो बड़ा वाजे जादू है, जो जब तुम उनके पास दलाइल लेके आए निशानियां लेके आए बय्यिनात लेके आए तो लोगों ने तुम्हें क्या कहा था, ये तो जादू है। वाइज और जब औहैतु मैंने हुक्म भेजा, मैंने वही की, औहा यू ही वही करना, लेकिन ये वही खफी है, वही जली नहीं है, वो वही नहीं है जो पैगंबरों की तरफ होती है, ये दिल में बात डालना होता है, ये अल्लाह किसी के दिल में बात डाल देता है, इसे वही खफी कहा जाता है, लफ्ज इसके लिए भी वही का ही है, जैसे
शहद की मक्खी की तरफ अल्लाह ने वही की, और जैसे हजरत मरियम की तरफ वही की, और यहाँ औही तू मैंने वही की या हुक्म भेजा इलल हवारीना हवारियों की तरफ। हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनके, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सिहाबीन सिहाबा कहा जाता है, इनको हवारी कहा जाता है। तो हमने वही की हवारियों की तरफ, अन क्या हुक्म भेजा हवारीन को, अन ये के आमिनू ईमान लाओ, बी मुझ पर, अल्लाह फरमा रहे हैं, वबी रसूली और मेरे रसूल पर। अल्लाह ने हवारियों के दिल में ये बात डाल दी कि तुम ईमान लाओ मुझ पे भी और मेरे रसूल पर भी। आलू उन्होंने कहा आमन्ना हम ईमान लाए, वशहद और गवाह रहो, बेअन्ना ना कि बेशक हम, अन्ना मैंने आपसे को बताया था ना कि आयत के दरमियान में आता है, ये भी अन्ना है और अन्ना के साथ ना हम और बा शुरू में के और गवाह रहो के बेशक हम मुस्लिमून फरमाबरदार हैं मुसलमान हैं। इस काल आल अल हवारी यूना जब कहा हवारियों ने उन्हीं साथियों ने या ईसा इब्न मरियम ए ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ क्या ऐसा कर सकते हो, इस्ततात रखते हो, क्या वो इस्ततात रखता है, क्या वो ऐसा कर सकता है, कौन रब्बू का तेरा रब। ये जो शुरू की या है ना ये गायब के लिए है, थर्ड पर्सन के लिए। यस्ततीउ इस्तता यस्ततीउ इस्तताउन इस्तता वो ताकत रखता है या इस्तात इस्तता उसने इस्तात रखी, यस्ततीउ हल यस्ततीउ क्या इस्तात रखता है रब्बू का तेरा रब, अन ये के युनज़िला वो उतारे, नज़ला युनज़िलु तंज़ीलुन उतारना, अलैना हम पर, माइदतन एक दस्तरखान। सूरह माइदा का नाम इसी आयत से माखूज है, इसी आयत से लिया गया है, इसकी वजह तस्मिया सूरत के नाम की यही है कि इसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मानी है दस्तरखान भी कहते हैं इसको, उस ट्रे को कहा जाता है जिसमें खाने पीने की चीजें सजा के रखी जाती हैं, चुन दी जाती हैं। जैसे हम किसी के पास अगर लेके जाते हैं, जैसे आजकल कहते हैं प्लेटर है जी एक जो बड़ा सा, उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं खाने पीने की, तो उसे मायदा कहा जाता है, तो दस्तरखान भी इसको कह दिया जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है हवारियों ने ईसा अलैहि सलाम से कहा कि क्या तेरा रब हमारे ऊपर आसमान से एक दस्तरखान उतार सकता है, मिनस समाई आसमान से। आला ईसा अलैहि सलाम ने कहा इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो ईमान लाने वाले हो। यानी तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो, अल्लाह का खौफ करो अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। अभी तो तुम लोगों ने कहा कि वशहद भी अन्ना ना मुस्लिमून आप गवाह रहें कि बेशक हम मुसलमान हैं, तो अब अल्लाह ताला से ये मुतालबे कर रहे हो अल्लाह से डर जाओ। आलू उन्होंने कहा नुरीदू हम चाहते हैं, अरादा युरीदू इरादा तुम चाहना इरादा करना, नून का मतलब हम चाहते हैं, अन ये के ना अकुला हम खाएं, अकला या अकुलू से ना अकुला हम खाएं, मिनहा उसमें से यानी उस मायदा में से, वत्तमाइन्ना और मुतमइन हो जाएं। इतमाइन्ना यतमाइन्नु होता है इत्मनान पकड़ लेना, और मुतमइन हो जाएं कुलूबुना हमारे दिल,
हम ये चाहते हैं कि हम उस मायदा में से खाएं और हमारे दिलों को इत्मीनान कल्ब नसीब हो, वनालम और हम जान लें, हमें पता चल जाए, अन ये के कद सदकता ना, कि तूने सच कहा है हमसे। हम तस्दीक भी करना चाहते हैं, हम इत्मीनान कल्ब भी चाहते हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने हमसे सच बोला है। वनकूना और हम हो जाएं अलैहा इस पर मिन शाहिदीन गवाही देने वालों में से। चलें जब इन आयात की थोड़ी सी हम वजाहत कर लेते हैं। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयकूलु माजा उजिबतुम, उस दिन का तसव्वुर करो जिस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेगा और पूछेगा कि आप लोगों को क्या जवाब मिला था, आप लोगों की दावत के जवाब में आपकी कौमों ने आपके साथ क्या मामला किया था। आलू वो कहेंगे ला इल्मा लना, हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही बेहतर जानने वाला है, गैब की बातों को तू ही जानता है। अब यहां से ये जो दो रुकू अगले शुरू हो रहे हैं ना, ये इस लिहाज से बड़े अहम है कि अल्लाह ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ जो मुकालमा किया था क़यामत के दिन करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसका नक्शा इसमें खींचा गया, लेकिन फ्यूचर की बातें हमें बताई गई, हशर के दिन के कुछ मनाजिर का नक्शा खींचा गया, कुछ मंजर हमारे सामने हमें दिखाए गए। वाकई अगर हम इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं और डूब के पढ़ते हैं और अपने दिल से पढ़ते हैं, तो वाकई हमें लगता है कि ये मैदान महशर में एक अदालत लगी हुई है और उसमें अल्लाह ताला अंबिया से बातें कर रहा है और क्यामत के दिन ये ऐसा होगा, ये वो मुकालमा अल्लाह ताला ने कुरान में हमें एज इट इज बयान कर दिया, और ये जो मुकालमा क्यामत के दिन होगा इसके पास मंजर में एक तरह से एक पूरी एक दास्तान है जो हमारे सामने आएगी। इस काल अल्लाह, जब फरमाएगा अल्लाह ताला, कहेगा अल्लाह ताला, ऐ ईसा इब्ने मरियम। अब एक खास मंजर है वो जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशी हो रही है अल्लाह के सामने। पिछली आयत में तो तमाम अंबिया से खिताब किया था और उन्होंने कहा कि अल्लाह तू अल्लामुल गुयूब है, तू बेहतर जानता है। मतलब खौफ था ना अल्लाह का, एक हैबत थी अल्लाह की, एक शान जिस अंदाज से उनके सामने जलवागर थी, उनमें ये जरूरत नहीं हो सकी वो कुछ कहें कि लोगों ने ये जवाब दिया, उन्होंने बस ये जवाब दिया कि अल्लाह तू अल्लामुल गुयूब है, तू जानता है, हमें कुछ पता नहीं। फिर अब अल्लाह ताला का खिताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, अब उनकी खास पेशी का एक मंजर हमारे सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में उनकी पूजा की गई, दुनिया में उन्हें रब के बराबर दर्जा दिया गया, उनको अल्लाह का बेटा बनाया गया, सालिस व सलासा करार दिया गया। लिहाजा अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सामने जो शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी उस वक्त, उसका नक्शा खींचा जा रहा है जब अल्लाह उनको मुखातिब करके फरमाएगा, ऐ ईसा इब्ने मरियम उज़्कुर नेमती अलैका, जरा मेरे उन इनामात को याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुए थे। इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस, जब मैंने तुम्हारी मदद की थी रूहुल कुदुस से, जिब्राइल के जरिए से तुम्हारी ताइद की थी। तुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, तुम गुफ्तगू करते थे लोगों के साथ पंघूड़े में भी और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी, यानी जब शीर खाद बच्चे थे उस वक्त भी तुम लोगों से गुफ्तगू करते थे। हजरत मरियम जब उनको लेकर आई तो लोगों ने हैरान होकर पूछा, तो उन्होंने हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया कि ये जवाब देंगे, और वो एक नौमौलूद बच्चा खुद बोला था, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं उसका रसूल हूँ। तो वो जो गुफ्तगू उन्होंने की थी हमने पीछे पढ़ी है, तो तुगल्लिमुन्नास फिल महदी व कहलन, और कहूलत की उम्र में भी। कहूलत की उम्र कहते हैं वो होती है जो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे, जिस उम्र में वो होंगे ना, उस वक्त भी वो दुनिया से खिताब करेंगे और पंघूड़े में भी वो बोले, तो इन दोनों का जिक्र है। वाइस अल्लम तुकल किताब अवल हिकमत अव तौरात अवल इंजील, और याद करो मेरे इस एहसान को भी जब मैंने तुम्हें सिखाई किताब और हिकमत, यानी तौरात और इंजील। उलमा कहते हैं कि ये जो दरमियान का वाव है ना, ये और के मानी में नहीं है, यानी के मानी में है, ये वाव तफसीरिया है, यानी किताब और हिकमत और आगे तौरात, यानी तौरात और इंजील इसका मतलब है। क्योंकि किताब जो थी, जो तौरात थी उसमें अहकामात थे और इंजील में हिकमत थी, ठीक है। किताब हिकमत यानी तौरात और इंजील मैंने तुम्हें सिखाई। वाइस
तखलुकु मिनत तीनी, और वो वक्त भी याद करो जब तुम बनाते थे गीली मिट्टी से, गारे से, परिंदे की एक शक्ल बीजनी मेरे हुक्म से, फिर तुम उसमें फूंक मारते थे तो वो हो जाता था एक उड़ने वाला परिंदा मेरे हुक्म से। और ये सारे मौजजात यहाँ एक एक करके अल्लाह ताला उन्हें गिनवाएगा। और तुम अच्छा कर देते थे मादरजाद अंधे को और कोड़े को मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से तुम पैदाइशी अंधे को ठीक कर देते थे, कोड़ के मर्ज में मुब्तला जो शख्स होता था उसको तुम ठीक कर देते थे। वाइस्तुखरिजुल मौता, और वो वक्त भी याद करो जब तुम निकाल खड़ा करते थे मुर्दों को मेरे हुक्म से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये भी था ना कि वो मुर्दों को, एक शख्स जब फौत हो गया होता था उसे कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जाता, वो उठ के खड़ा हो जाता था। अल्लाह ताला ने इसका भी यहाँ पे जिक्र किया। वाइस कफ़फ़्तु बनी इसराइल, और याद करो मेरे इस एहसान को भी जब मैंने बनी इसराइल के हाथ रोक दिए तुमसे, उनके हाथ तुम तक पहुंचने नहीं दिए और तुम्हें उनके शर से महफूज रखा। ये उसी वाक्य की तरफ इशारा है जिसका जिक्र हमने सूरह आले इमरान की आयत 54 में पढ़ा, जब ईसा अलैहि सलाम गिरफ्तार नहीं हुए और ऐन उस वक्त जब पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने के लिए एंटर हुए तो अल्लाह ने 4 फरिश्ते उतारे जो आपको लेकर आसमान पर चले गए। तो ये भी अल्लाह ताला इस बात को एक नेमत के तौर पे यहाँ पे बयान कर रहा है। इस जीता हुम बिल बय्यिनाति फकाल अल्लज़ीन कफरू मिनहुम इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, जब तुम उनके पास खुले मौजज़ात लेकर आए तो उन लोगों ने कहा जो उनमें से काफिर थे कि ये तो सरी जादू है, ये जादू के सिवा कुछ भी नहीं है, इन हाजा इल्ला सिहरु मुबीन, वो वक्त भी याद करो। और फिर लोगों ने तो तुम्हारे इस बात को जादू करार दे दिया, लेकिन मैंने फिर तुम्हारी मदद कैसे की। वाइज औहैतु इलल हवारियीन, और याद करो मेरे इस एहसान को भी जब मैंने हवारियों को इशारा किया, उनको हुक्म दिया, अन आमिनू भी पबी रसूली, कि मुझ पर भी ईमान लाओ और मेरे रसूल पर भी ईमान लाओ। मैंने उनके दिल में डाल दिया, इल्हाम कर दिया, उनकी तरफ वही कर दी, यानी वही खफी, जाहिर है हवारियों की तरफ वही जली तो नहीं आ सकती थी जो नबुव्वत ही का खासा है, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये वही खफी होती है जो अल्लाह ताला किसी के भी दिल में जो बात डाल देता है। कालू आमन्ना वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, उन्होंने कहा हम ईमान लाए, और ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप भी गवाह रहिए कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, हम मुसलमान हैं। अब यहाँ देखिए ये लफ्ज़ मुस्लिम जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों के मुंह से निकलवाया जा रहा है, यानी मुसलमान सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नहीं हुए मुसलमान, तो इस्लाम तो शुरू से ही अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई और दुनिया में अपना अंबिया को भेजा तो हर नबी और रसूल इस्लाम ही की तालीमात लेकर आया। इस काल अल हवारी यूना या ईसा इब्न मरियम, जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्न मरियम क्या तेरा रब ये कर सकता है कि आसमान से एक दस्तरखान उतारे, क्या आपके रब को ये कुदरत हासिल है कि वो एक दस्तरखान आसमान से उतार दे। जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। मोमिनों को ऐसी दुआएं नहीं करनी चाहिए, ऐसे मुतालबात लोगों को जेब नहीं देते कि वो अल्लाह से ऐसे मुतालबात करें। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम इससे इसमें से खाएं, यानी इस मायदा में से, और हमारे दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाए और हमें इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाए। ये इसी तरह की बात है जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कही थी रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयिल मौता काला अवलम तूमिन, जब हज़रत इब्राहिम ने कहा था ऐ मेरे रब मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तो अल्लाह ने फरमाया था क्या तू ईमान नहीं लाया, काला भला वला किल्ली यत्मईन कल्बी, तो उन्होंने कहा था क्यों नहीं है अल्लाह, मैं ईमान तो लाया हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरा दिल मुतमिन हो जाए। इसी तरह का मुशाहिदा ये लोग भी तलब कर रहे थे। वनालमा, और हम जान लें, हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम इस पर गवाह बन जाएं। चलें जी, ये सिलसिला तो जारी है, ये जो आयात हैं ये अभी कंटिन्यूशन है इनकी, यही एक जो दरबार लगा हुआ है हशर के दिन, कयामत के दिन अल्लाह ताला
लोगों से, अंबिया से गुफ्तगू कर रहा है। अभी तो ये ज्यादा जाहिर है, पूरी गुफ्तगू जो है, ये सारे दो रुकू जो है इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ही ये सारा मुकालमा है। तो बात स्टार्ट तो यहाँ से हुई है कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, उनसे पूछेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गुफ्तगू का रुख फेर दिया गया। तो अब हम तिलावत सुनते हैं पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ अल्फाज पे गौर करें, और जो तर्जमा आपने थोड़ा बहुत जितना भी सीखा है, कोशिश करें कि इन अल्फाज से आप मीनिंग निकालने की कोशिश करें। चलें जी तिलावत सुनते हैं। يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين